जय जेसु, प्रभु येसु के सामर्थ्यवान नाम पर फादर और एक बार आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 262वां दिन में आपका स्वागत है वचन सुनने के लिए। आज हम मनन करते हैं इसायाह के अध्याय 20 और 21 पर, साथ में बुक ऑफ विजडम यानी प्रज्ञा ग्रंथ के आखिरी अध्याय 19वां अध्याय पर, और सुसमाचार में मत्ती के अध्याय 2 पर। 20वां अध्याय इसायाह का ग्रंथ विख्यात है इस बात के लिए क्योंकि इसमें नंगे नबी का संकेत यानी चिन्ह दिया गया है। इस अध्याय को समझना है तो इसकी पृष्ठभूमि को समझना है। वचन 1 में लिखा है, जिस वर्ष असुर के राजा सरगोन के भेजे हुए प्रधान सेनापति ने अश्दोद आकर उस पर आक्रमण किया, उसे अपने अधिकार में किया, उस समय प्रभु ने अमोस के पुत्र इसायाह को आदेश दिया, अपनी कमर में टाट और अपने पैरों से जूते उतारो। उसने ऐसा किया, वह नंगे बदन नंगे पर चलने लगा कम से कम 3 साल तक। हालेलुया। देखिए, असुर के राजा सरगोन के भेजे हुए सेनापति अश्दोद आकर, अश्दोद फिलिस्ती लोगों की शहर है, फिलिस्ती लोगों ने मिस्र के कहने पर, मिस्र पर भरोसा रखते हुए असुर के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए गए और असुर के राजा इसलिए क्रोध में आकर उनको बर्बाद किया। ये देश को यानी फिलिस्ती लोगों के सबसे बड़ा शहर अश्दोद उसको समाप्त कर दिया। उस समय प्रभु लोगों को एक संदेश दे रहे हैं इसायाह नबी के द्वारा। जब इसायाह नबी इस तरह घूमता फिरता है नंगा बदन, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूर्ण रूप से नंगा था, कुछ तो अंदर पहनता था, केवल बाहर के जो ऊपर जो पहनता था ठाठ उसको निकालने के लिए प्रभु कहा। इस तरह मतलब प्रभु उनसे कहता था कि प्रभु उनसे चाहता था कि इस तरह चलो मानो युद्ध में बंदी बनाए जाने पर लोगों को, बंदियों को किस तरह लेकर जाते, दास लोगों को किस तरह लेकर जाता था युद्ध में पकड़े जाने के बाद, कपड़ा पहनने नहीं देता था यानी बाहर कपड़ा सब पहनने नहीं देते थे और कुछ छोटे से कुछ वस्त्र पहनने देता था और नंगा पाँव चलना पड़ता था। उस तरह इसको चलने के लिए इसलिए कहा, जब इस तरह घूमते समय लोग कोई पूछेगा क्या है इसका मतलब, तब बोलेगा प्रभु कहता है, प्रभु मिस्र के साथ, कुश के साथ, कुश यानी इथियोपिया, इजिप्ट और इथियोपिया के साथ ऐसा ही करेगा, सूर के राजा इन दोनों देश को इस तरह पराजित करेगा और वहां के लोगों को नंगा इस तरह लेकर जाएगा, कैदी बनाकर लेकर जाएगा। ये संदेश, इससे संदेश लोगों को क्या मिलता है, यूदा के लोगों को संदेश प्रभु ये देना चाहता है, यदि तुम भी मुझे छोड़कर मुझ पर भरोसा रखने के बजाय मिस्र पर और इथियोपिया पर भरोसा रखते हुए असुर के विरुद्ध अगर युद्ध जीतेंगे सोचते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इससे कुछ आध्यात्मिक संदेश मिलते हैं। पहला आध्यात्मिक संदेश यह है, यदि हम भी गलत गंदी दोस्ती करते हैं, गलत दोस्ती पे, गलत ईवल एसोसिएशन यानी प्रभु से ज्यादा भरोसा अन्य किसी पर रखता है और इस तरह गलत दोस्ती या गलत रिश्ता, गलत संधि समझौता किसी के साथ आप करते हैं, तो आप इस तरह के पाप के द्वारा शैतान की गुलामी में चले जाएंगे। शत्रु शैतान हमको बंदी बनाकर इस तरह लेकर जाएंगे जैसे इसायाह घूम रहा था, नंगे लेकर जाएंगे नरक के इस उस ओर, नरक की ओर नंगे लेकर जाएंगे। मतलब जो वस्त्र महिमा का वस्त्र, प्रभु की धार्मिकता का जो वस्त्र प्रभु हमको जो दिया है वो सब नष्ट होकर हम नंगे बदन जाएंगे, दुनिया के सामने हमारी बेइज्जती होगी, शत्रु शैतान ऐसा लेकर जाएगा और नरक की ओर लेकर जाएगा। इस बात को प्रभु बताना चाहता है। इसलिए गलत गंदी रिश्ता हमेशा खतरनाक विपत्ति लाई है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 वचन 33 पे हम इस तरह पढ़ते, धोखे में ना रहे, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भी भ्रष्ट हो जाता है। गलत रिश्ते के द्वारा, बुरी संगति के द्वारा शैतान को हमारे ऊपर अधिकार आ जाते हैं और हम नंगे हो जाते हैं,
हम गुलाम हो जाते हैं, जैसे पाप जो करता है पाप का दास बन जाता है। दूसरा संदेश यही है कि जब भी हम प्रभु को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति पे, वस्तु पे, चीज पर भरोसा रखते हैं और उनसे महिमा हम चाहते हैं, प्रभु से प्रभु को महिमा देने के बजाय अन्य किसी चीज को महिमा अधिक देते हैं या उनसे महिमा चाहते हैं, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो चीज के द्वारा हमको तकलीफ होने लगते हैं और वो उसको हमारे सामने प्रभु नीचा किसी भी तरीके से दिखाएगा, उनसे हमको तकलीफ जरूर होगा। इसका मतलब यह है कि वो हमें निराश कर देगा। जिस चीज पर जरूरत से ज्यादा महत्व देता है वो चीज हमको निराश होने प्रभु देगा, निराश करने प्रभु देगा, ऐसा है। तीसरा आध्यात्मिक संदेश इससे यह है कि जो कोई प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, जिसको प्रभु बुलाते हैं, अपनी सेवा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसहाक, तो उस व्यक्ति को इस तरह कष्ट सहना पड़ेगा लोगों के सामने। शायद देखिए ह्यूमिलिएशन यानी निंदा आत्मक व्यवहार, इस तरह से प्रभु इनको करने दी। इसी तरह लोगों के सामने शायद हमको प्रभु क्या है, ह्यूमिलिएट कर रहेगा, मतलब थोड़ी सी निंदा दूसरों से सहना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, परेशानी झेलने पड़ेगी, ये सारी बातें करना पड़ेगा प्रभु के लिए कष्ट उठाना। प्रभु हमको अनुमति देगा, मौका देगा और आदेश भी देगा। हालेलुया। इसलिए कष्ट उठाए बगैर, क्रूस उठाए बगैर कोई भी आराम से प्रभु की सेवा करेंगे ये बात को सोचना नहीं है। ये तीन संदेश इस पर छिपी हुई है। हालेलुया। यशायाह नबी की 21वां अध्याय जरा समझने की कोशिश करेंगे, दो भाग में बांटकर समझना अच्छा होगा। 1 से 10 तक जो है वो बाबुल के विषय में भविष्यवाणी है, दूसरे भाग में एदोम और अरब के विषय में भविष्यवाणी है। इसमें आज हम केवल पहला भाग को थोड़ा सा समझेंगे, बाबुल के विषय में। बाबुल यानी बाबिलोन, यशायाह नबी के समय में दुनिया के शक्तिशाली देशों में एक है बाबिलोन, जानते हैं, हर प्रकार के अधर्म का एक अड्डा भी है। तो बाबिलोन अपने को इस तरह समझता था कि उनके ऊपर किसी को अधिकार नहीं होगी, वो उसको कोई भी हरा नहीं सकता, इस तरह समझता था। लेकिन बाबिलोन पराजित हो गया, गिरा दिया गया। कौन? फारस यानी पर्शिया के सम्राट ने उनको गिरा दिया। पर्शिया आज के ईरान है। तो हम पर दूसरा वचन में एलाम आक्रमण करो, मेदिया घेरा डालो। ये एलाम और मेदिया फारस के लोगों को ही कहते हैं, यानी पर्शिया के लोग। देखिए नबी ने एक दर्शन में देखा कि फारस की सेना यानी एलाम और मेदिया ये सब घेराबंदी कर रहे हैं बाबुल की, और बाबुल पराजित होगा। उसने दर्शन में देखा और प्रभु की प्रेरणा से और वो भविष्यवाणी किया, ऐसा होगा। वचन 9, देखो एक व्यक्ति ऐसे रथ पर आ रहा है जिसमें 2 घोड़े जूते हैं, वह मुझे संबोधित करते हुए कहता है, बाबुल का पतन हो गया, पतन हो गया, उसकी सभी देव मूर्तियां जमीन पर फटक कर तोड़ डाली गई है। देव मूर्तियों का अड्डा था वो भी। तो बाबुल का पतन हो गया, पतन हो गया, ये भविष्यवाणी कब पूरी हुई? जब थोड़े ही समय में बाबिलोन के ऊपर पर्शिया आक्रमण किया था, तब ये भविष्यवाणी पूरी हुई। लेकिन इसका एक और आध्यात्मिक अर्थ है। देखिए हाँ, पर बाबुल का पतन हो गया, पतन हो गया। बाबिलोन, द ग्रेट बाबिलोन इज फॉलन, इट इज फॉलन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 में हम जाएंगे, वहाँ पर क्या हो रहा है। प्रकाशना ग्रंथ को हम आप लोग पढ़ ली हैं, लेकिन हम उसको उसकी व्याख्या नहीं दे पाए, बाद में हम जरूर देंगे। लेकिन अब 18वां अध्याय में प्रभु दुनिया का न्याय कर रहे हैं। उस समय एक स्वर्गदूत पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी, उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। इंग्लिश में ऐसा है, बाबिलोन इज फॉलन, इट इज फॉलन,
सही में। इसलिए वहां पर जो शब्द, जो भविष्यवाणी इसायाह की है, उसको हम प्रकाशना ग्रंथ में उसी शब्द को दोबारा दो बार इस्तेमाल करते हुए जब देखते हैं, इस दोनों में एक कनेक्शन। देखिए, बाबिलोन बाबिलोन जो है, बाबुल जो है, प्रकाशना ग्रंथ में उसका मतलब क्या है, आगे पढ़ने से थोड़ा समझ में आएगा। वह अब्दूतों का डेरा, हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का बसेरा बन गया है। घृणित पक्षी यानी वासना के पाप के लिए है। आगे कहता है, क्योंकि सभी राष्ट्रों ने उसके व्यभिचार की तीखी मदिरा पी ली है, पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, पृथ्वी के व्यापारी उसके अपार वैभव से धनी हो गए हैं। मुख्य रूप से दो पाप, यानी एक वासना का पाप, दूसरा पैसा से जुड़े हुए पाप, यानी लालच। पैसा को पहला स्थान, पैसा को ईश्वर मानता है, दूसरा शरीर का पाप, वासना का पाप। इस तरह के पाप से भरे हुए, लेकिन वे लोग ही दुनिया की दृष्टि में बड़े, यानी आज दुनिया की, जब प्रभु न्याय करने आएगा, दोबारा न्याय करने आएगा, तो दुनिया की दृष्टि में जो भी महत्व रखते हैं, इस तरह बड़े पैसा वाला राष्ट्र हो सकता है और बड़े शक्तिशाली देश हो सकते हैं, ये सब गिरा दिया जाएगा और उस पर लोग विलाप करेंगे, दुनिया विलाप करेगी। इसलिए ये बाबिलोन एक प्रतीक है, बाबिलोन एक प्रतीक है, वो गिरा दिया जाएगा, स्पिरिचुअल बाबिलोन और इसका कॉमर्शियल बाबिलोन, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन वो सब हम प्रकाशना ग्रंथ की व्याख्या देते समय उसके बारे में और अधिक बोलेंगे। लेकिन बात यह है, दुनिया में दो मुख्य चीज़ें, जब दुनिया का अंत जब होने वाला है, उस समय तक दो चीज़ बहुत ज़्यादा क्या है, प्रचार में रहेंगे, मतलब उसका असर बहुत ज़्यादा होगा। हो गया है वासना का पाप और दूसरा पैसा को ईश्वर मानना, पैसा के लिए लोग कुछ भी करेगा। इस तरह के पाप को, इन दुर्भूतों को, दुष्टात्म शक्तियों को प्रभु गिरा देगा, प्रभु उसका न्याय करेगा। तब अनेक लोग रोएंगे, क्योंकि अनेक लोगों ने इन चीज़ों को महत्व देते हुए रहा था। और इसलिए आगे हम 18वां अध्याय में प्रकाशना ग्रंथ के 9 से लेकर बाबुल पर विलाप, और इसायास नबी के इस अध्याय में भी हमने देखा विलाप हो रहे हैं। लेकिन उन विलापों के बीच में जब लोग रोएंगे, दांत पीसते रहेंगे, कुछ लोग आनंद मनाएंगे, वचन 20 अध्याय 18, स्वर्ग संतो, संत कौन है, प्रभु पर भरोसा रखने वाले लोग, प्रेरितों और नबियों आनंद मनाओ, क्योंकि ईश्वर ने उसके विरुद्ध तुम्हें न्याय दिलाया है, इसलिए वे आनंद मनाएंगे। हल्लेलुया। प्रज्ञा ग्रंथ के आखिरी अध्याय 19वां अध्याय, पहला भाग 1 से 5 तक, लाल समुद्र का पारगमन घटना हम जानते हैं, किस तरह प्रभु ने लाल समुद्र को पार कराते हुए अपने लोगों को लेकर गया। एक आध्यात्मिक अर्थ है इसका। ईश शास्त्री रबानुस माउरुस, वे आर्च बिशप भी था, उसने इस तरह लिखा कि द रेड सी रिप्रेजेंट्स द सैक्रामेंट ऑफ बैप्टिज्म इन विच द फेथफुल आर सेव्ड एंड द पावर्स दैट अपोज देम आर ड्राउंड। यानी लाल सागर बपतिस्मा संस्कार का प्रतीक है, जिसपे जिसके द्वारा प्रभु के लोग मुक्ति पाते हैं, यानी प्रभु अपने लोगों को बचा लेते हैं, और जो कुछ प्रभु के खिलाफ है, ईश्वर के राज्य के खिलाफ है, उन सभी चीजों को डुबा देता है। बपतिस्मा के पानी में प्रभु हमारे उस व्यक्ति के, जो बपतिस्मा लेता है, उस व्यक्ति पर जो चीजें प्रभु के राज्य के खिलाफ, उन सारे चीजों को नष्ट कर देता है, डुबा देता है। हालेलुया। आगे अगला भाग 6 से 12 तक, प्रभु किस तरह अपने लोगों को हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया, और एक बार याद करते हैं अंत में प्रज्ञा ग्रंथकार, वचन 8, इस प्रकार सारी प्रजा ने तेरे अपूर्व कार्य देखने के बाद तेरे हाथ का संरक्षण पाकर लाल समुद्र पार किया। इसलिए क्या करना चाहिए, जैसे वे लोग किया वैसे हमको भी करना चाहिए। प्रभु
वे तेरी अपने मुक्तिदाता की स्तुति करते हुए घोड़ों की तरह विचरते और मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। हर दिन प्रभु किस तरह हमारे जीवन में कार्य करते हैं, छोटी बड़ी बातों में वो कैसे हस्तक्षेप हमारे लिए करता है, इस बात को समझना एक आध्यात्मिक कार्य है। और धन्यवाद प्रभु को देते जाना, धन्यवाद का बलिदान निरंतर चढ़ाए, इसलिए तो हम बुलाए गए। इसलिए हम लोगों को भी धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। अगला भाग वचन 13 से 17 तक, मिस्र के ऊपर आई हुई विपत्तियों को प्रभु किस तरह उनको दंड दिया उसको याद करते समय मिस्र और सोदोम के निवासियों की तुलना कर रहे हैं प्रज्ञा ग्रंथकार। आखिरी वचन, जिस तरह अन्य लोग धर्मी के द्वार पर अंधे बनाए गए उसी तरह मिस्री भी जब घोर अंधकार से घिर कर उनमें प्रत्येक को टटोलते टटोलते अपना द्वार ढूंढना पड़ा। ये किसके विषय में लिखा है? जिस तरह अन्य लोग धर्मी के द्वार पर अंधे बनाए गए, सोदोम की बात है। लोथ, आपको याद होगा लोथ के खिलाफ जब लोग आए किस तरह वे अंधे हो गए और वे द्वार पर अंधे बनाए गए थे, इसी तरह मिस्री भी घोर अंधकार। 9वीं विपत्ति जब आई, द 9th प्लेग, तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। हर एक व्यक्ति टटोलते टटोलते अपना द्वार ढूंढ रहा था। हालेलुया। इसके विषय में रबानुस मौरुस फिर से कहते हैं कि जब पाप के द्वारा एक व्यक्ति के हृदय में अंधकार मंडराते हैं तो कितनी कितनी विपत्ति उनके चारों ओर आ जाती है। जब अंधकार में आत्मा एक व्यक्ति की आत्मा चली जाती है तो बहुत सारी विपत्तियों में वो फंस जाते हैं, फंसने लगते हैं, क्योंकि द्वार दिखाई नहीं देता। वास्तव में वो कहते हैं सुसमाचार में, किसने कहा मैं ही द्वार हूं, भेड़शाला का द्वार में प्रभु है। उस प्रभु को ढूंढ नहीं पा रहे, प्रभु को देख नहीं पाते, उस रास्ते पे पहुंच नहीं पा रहे। पाप हृदय का अंधकार है। हालेलुया। अगला भाग 18 से लेकर वचन, प्रकृति में परिवर्तन। द नेचर गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। प्रभु के लोगों के लिए प्रभु प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं। हालेलुया। पूरे प्रज्ञा ग्रंथ में अनेक बार उसके विवरण है, विशेषकर 16वां अध्याय में सब किस तरह ओला के साथ जो ओला वर्षा हुई उस समय आग भी गिरे थे। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, घटनाओं पर विचार करने पर लगता है जिस प्रकार वीणा के स्वरों के परिवर्तन से लय बदलती है जो संगीत बना रहता है, इसी प्रकार प्रकृति के तत्वों में भी परिवर्तन हुआ था। क्या है? क्योंकि धलचर जलचर बन गए। ये किसके विषय में? धलचर जलचर बन गए क्योंकि धल में रहने वाले मनुष्य पानी पर उतरे, समुद्र से होकर गुजरने लगे। लेकिन समुद्र में रहने वाले पानी के पानी पानी में तैरने वाले भूमि पर चलते थे। उस समय क्या है कि फ्रॉग जो पानी पर रहता था, मेंढक, वो सब बाहर आ गया, इसराइलियों के घर घर में घुस गया। तो पानी पे चलने वाले बाहर आ गए। आग पानी में बल पकड़ती थी, ओले के साथ आग की वर्षा भी हुई थी, लेकिन पानी आग बुझाने का सामर्थ्य भूल जाता था। दूसरी ओर ज्वाला उन वस्तुओं का विनाश नहीं करती थी जो उसमें आते जाते थे और वह दिव्य भोजन नहीं गलाती थी। ये मन्ना के विषय में है। आग गिरने पर भी मन्ना नष्ट नहीं होते थे। हालेलुया। लेकिन सुबह पाले की तरह आसानी से वो गल जाता था, सूरज का प्रकाश आते ही वो गल जाता था। इसका मतलब क्या था? इसलिए प्रभु क्या करना चाहता था, क्या बताना चाहता था, हम लोग 16वां अध्याय में वास्तव में इसके विषय में लिखा हुआ है।
अध्याय 16 वचन 28 जिससे 27 से जो चीज आग द्वारा नष्ट नहीं होती थी सूर्य की किरण के स्पर्श मात्र से पिघलती थी, जिससे लोग जान जाए सूर्योदय से पहले तुझे धन्यवाद देना, प्रभात के समय तेरे सामने उपस्थित होना चाहिए। मतलब मन्ना पाने के लिए लोगों को सुबह सुबह उठना पड़ता था, क्योंकि सूरज के उगने के बाद मन्ना पूरा पिघल जाता था, उसके पहले उठाने से आपके साथ रह जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु उनके द्वारा भी कुछ संदेश दिया, बड़े सुबेरे उठने की जरूरत, धन्यवाद देने के लिए उठना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु और दिव्य भोजन की बात भी यहाँ पर बताए हुए। देखिए प्रभु जब सृष्टि कर्म किया था और उसके अंत कैसा हुआ, मनुष्य को भोजन की बात बताते हुए, मनुष्य को भोजन दिया वो बात बताते हुए, ये उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1:29 में मनुष्य को खाने के लिए देते हुए उसका अंत किया। इसी तरह पूरे निर्गमन के समय में निर्गमन ग्रंथ की अनेक बातों को प्रज्ञा ग्रंथ में ग्रंथकार लेके आए। इस बात का पूरा विवरण का अंत करते समय वो भी दिव्य भोजन की बात लेकर आते हैं। इसलिए सबसे आखिरी में दिव्य भोजन की बात। हालेलुया। दिव्य भोजन जो है मनुष्य को स्वर्ग तक ले जाने वाली चीज है। यानी सफर के लिए मन्ना जिस तरह इसराइलियों को दिया, उसी तरह हमारे लिए दिव्य भोजन देते हैं। उसमें भी प्रकृति में परिवर्तन जिस तरह हुई है, दिव्य भोजन हमको देने के लिए भी प्रभु यही परिवर्तन लाते हैं। रोटी का एक टुकड़े पे परिवर्तन आ जाते हैं, प्रभु अपना शरीर में बदल देता है। हालेलुया। दुनिया में इतने बार प्रभु अनेक कार्य मनुष्य के लिए किया है, वहां पर प्रकृति में परिवर्तन, द नेचर वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, कई बार ऐसी बातें हुई है। आज भी ऐसा कार्य प्रभु हमारे लिए, प्रभु अपने लोगों के लिए दिव्य भोज देते हुए करते हैं। वो यह है, एक टुकड़ा रोटी का वो बदल जाता है, ट्रांससबस्टांसिएशन, सत्ता परिवर्तन हो जाता है। इसके पहले दुनिया में प्रभु ऐसा कार्य कई बार इसराइलियों के लिए किया है, तो हमारे लिए जो कार्य कर रहे हैं इस पर भी हमको विश्वास करना चाहिए। वो है होली सैक्रामेंट ऑफ यूकरिस्ट। हालेलुया। इसलिए प्रभु तूने अपनी प्रजा को सब तरह से महान और महिमा में बनाया, तो हर क्षण हर स्थान में उसकी सहायता करता रहा। ये अंध में इस सुंदर शब्द देते हुए प्रज्ञा ग्रंथ को समाप्त कर रहे हैं। प्रभु तूने अपनी प्रजा को सब तरह से महान और महिमा में बनाया, तो हर क्षण और हर स्थान में उसकी सहायता करता रहा। हालेलुया। मती के सुसमाचार अध्याय 2 आप लोग पढ़े होंगे, ज्योतिषियों का आगमन, मिस्र में प्रवास, बालकों की हत्या, नाजरेत में निवास। ये चारों विशेष बातें अन्य किसी भी सुसमाचार में हमको पढ़ने को नहीं मिलता है। देखिए प्रभु येसु के जन्म से जुड़ी हुई अनेक बातें लूकस के सुसमाचार में हमको मिलते हैं, कुछ बातें मत्ती में भी है, लूकस में भी है, लेकिन ये बातें ज्योतिषियों का आगमन और आगे जो भी बातें हम पढ़ी हैं, ये केवल इस अध्याय में मत्ती के सुसमाचार में हमको देखने को मिलते हैं। परंपरा के अनुसार ये ज्योतिषी राजा भी है, पूर्व से आए, वे 3 हैं। बाइबल हमको नहीं बताते वे कितने लोग थे, लेकिन हमारी परंपरा के अनुसार मुताबिक वे 3 हैं। उनका नाम है मल्कियोर, कैस्पर, बल्थासर। शायद परंपरा हमको इसलिए बताती है कि वे 3 हैं, क्योंकि यहाँ पर 2:11 में लिखा है, वे अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान, गंधरस की भेंट चढ़ाई, 3 भेंट, इसलिए 3 लोग होगा, ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं। और इन्होंने जो 3 चीज़ें दिया प्रभु को चढ़ाए, सोना, लोबान और गंधरस, उसके पीछे भी कुछ आध्यात्मिक
रहस्य है और संदेश है। सोना प्रभु के राजत्व का प्रतीक है, प्रभु राजा है, सोना हमेशा राजा के साथ जुड़ते। लोबान जो है प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं, वो पुरोहित का कार्य है, इसलिए प्रभु यीशु जो है ईश्वर का पुरोहित, प्रधान पुरोहित, प्रधान याचक। गंधरस जो है वो अभिषेक के तेल में डाला जाता है अभिषेक करने के लिए। इसमें दो बातें हैं, एक अभिषेक नबी जाकर अभिषेक करता था, बाइबल में पुराने विधान में हम लोग सामूएल नबी को सब जाकर अभिषेक के लिए प्रभु भेजते हैं, इसलिए प्रभु नबी है, उसमें प्रॉफिट है। और उसके मृत्यु का भी याद हमको दिलाते हैं गंधरस, प्रभु जब मर गए हैं उसके ऊपर गंधरस भरे चीज लगाए थे, इसलिए उसकी मृत्यु की भी हमको याद दिलाते हैं। हालेलुया। आगे इस अध्याय में हम कई बार संत यूसुफ को सपने में ईश्वर अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। सपने में ईश्वर की इच्छा प्रकट होना का मतलब बाइबल की भाषा में सपना केवल नींद में मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि उसका एक आध्यात्मिक अर्थ यह है कि प्रार्थना में प्रभु की इच्छा को पहचानना, पता लगाना। प्रार्थना के साथ बैठने वालों को प्रभु की इच्छा पहचानने के लिए उत्सुकता दिखाने वालों को प्रभु दर्शन देते हैं, प्रकट करते हैं। इसको सपना में दर्शन मिला, इस तरह भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इस मत्ती के अध्याय 1 और 2 में पूरा 4 बार संत यूसुफ को प्रभु सपने में दर्शन देते हैं, बात करते हैं, और वो आज्ञा का पालन करता है। एक शब्द भी संत यूसुफ यहाँ पर बताते नहीं है, संत यूसुफ के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, बल्कि वो हमेशा ईश्वर की इच्छा पहचानने के तुरंत बाद पालन करता है, तुरंत उठता है, रात में ही पालन करता है। इस तरह वो प्रभु की इच्छा को पालन करने के कारण 5 भविष्यवाणियां पूरी होती है, उसके विषय में इस पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में हम लोग ये भविष्यवाणी पूरी हुई, इस नंबर 5 बार 5 भविष्यवाणी। जो भी आज्ञा पालन करते हैं, ईश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, उनमें भविष्यवाणियां पूरी हो जाती है, ईश्वर की इच्छा पूरी होती है। उसके लिए प्रार्थना के साथ इंतजार करने की जरूरत है, अधिक बोलने की जरूरत नहीं है। संत यूसुफ के लिए समर्पित इस साल में विशेष मध्यस्थता उसकी हम मांगे कि हम आज्ञा पालन करें, पिता की इच्छा को पहचाने और जीभ पर नियंत्रण रख सके। हालेलुया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।